जोर से बोलिए, दिल्ली तक आवाज पहुंचनी चाहिए। भारत माता की। मंच पर उपस्थित अरुणाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ आए हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान राम माधव जी, आप लोगों के जनप्रतिनिधि और देश के गृह राज्य मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री तापिर गांव जी, विधायक दल के नेता एवं विपक्ष के नेता महोदय श्री रोमन डेका जी, सभी विधायक दल मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, और आज इतने खराब मौसम के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आए हुए भाइयों और बहनों, मैं 14 तारीख से 28 तारीख तक पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के दौरे पर निकला हूं। 3 स्पेल में ये 10 दिन का दौरा मेरा भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित किया है, और आज इसी दौरे के तहत मैं अरुणाचल आया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद पूरे देश में घूमकर अंत में ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आया हूं। मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है, देश का सबसे खूबसूरत और प्यारा हिस्सा ईश्वर ने नॉर्थ ईस्ट को बनाया है, और मुझे लगा अगर मैं नॉर्थ ईस्ट ना आता तो देश के जानने का मेरा ये जो अभियान है वो अधूरा ही रह जाता। नॉर्थ ईस्ट को देखे बगैर कोई हिंदुस्तान को नहीं जान सकता, ये मेरा नॉर्थ ईस्ट आने के बाद दृढ़ विश्वास बना है। मैं बहुत दूर से आता हूं मित्रों, गुजरात प्रदेश से मेरा जन्म हुआ, अब दिल्ली में काम करता हूं, और यहां देश की सरहद पर जब अरुणाचल आता हूं तो हृदय को बहुत खुशी होती है कि ये देश के ये हिस्से में कितनी कठिनता के साथ राष्ट्रभक्ति से लबोलब लोग देश को यहां बनाकर रखे हैं, बचाकर रखे हैं। मैं सभी नॉर्थ ईस्ट के नागरिक भाइयों को सलाम कर मेरे वंदन करता हूं। मित्रों, 2014 का साल देश के राजनीतिक इतिहास में एक सुवर्णमयी साल बनने वाला है, क्योंकि 2014 के साल में ही इस देश में 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी इतना ही नहीं, इस देश में 30 साल के बाद किसी आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी, और आप सबके आशीर्वाद से नरेंद्र भाई इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, इसका तो महत्व है ही, मगर आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद पूरे देश का प्रतिनिधित्व देश की संसद के अंदर करते हैं। यहां अरुणाचल से भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद आपने भेजा है, और गुजरात के कच्छ से भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद भेजा है, वहां लेह लद्दाख से भेजा है, कश्मीर से भेजा है, तो कन्याकुमारी में भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी आज संसद के अंदर प्रतिनिधित्व दे रही है, और बहुत आनंद आता है जब देश के सभी हिस्सों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद आकर देश के अलग अलग समाज, अलग अलग प्रांत, अलग अलग मान्यता के लोगों को देश की संसद में आवाज देते हैं, तब बहुत आनंद होता है। मित्रों, 2014 में जो सरकार बनी उसके पहले कांग्रेस की सरकार 10 साल तक चली थी,
अभी अभी कांग्रेस के लोग देश में भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी अभी वैकेशन करके उनके नेता आए हैं और बड़े आक्रामकता से देश की संसद में बोलते हैं। सुना है ना आपने? सुना है? मैं इनको बताना चाहता हूं भाई, 2014 में जनता ने आपको इसलिए निकाला कि आपकी सरकार ने लूट खसोट के सिवाय कुछ नहीं किया था। एक सरकार ऐसी थी जो घोटालों की सरकार बन गई थी। एक के बाद एक के बाद एक अनेक घोटाले हुए। 2G का घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ, आदर्श सोसाइटी का घोटाला हुआ, टैंक खरीदने में घोटाला हुआ, एयरपोर्ट बनाने में घोटाला हुआ, विमान खरीदने में घोटाला हुआ, सबमरीन में घोटाला हुआ, कोयले में भी घोटाला हुआ। 12 लाख करोड़ का घोटाला एक कांग्रेस की सरकार ने किया था और देश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इस सरकार अपने नेताओं के लिए लेकर गई थी। और इसलिए ये लूट खसोट की सरकार को देश की जनता ने बदला और बड़ी सूझबूझ का उपयोग कर एक सूझबूझ वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम इस देश की जनता ने किया है। आपको मालूम नहीं पड़ता श्रीमान राहुल गांधी ये सूझबूझ वाली सरकार है। ये सरकार को मालूम है क्या करना है। ये सरकार को मालूम है किसके लिए काम करना है। ये सरकार को मालूम है अव्यवस्था कहां पर है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार बनी है, जिसका नेतृत्व श्रीमान नरेंद्र भाई कर रहे हैं, वो सरकार सही दिशा में जा रही है। मित्रों, इस सरकार ने 11 महीने के अंदर महंगाई को काबू करने का काम किया है। 100 दिन में महंगाई हटा देंगे कहकर आप शासन में आए थे, 10 साल तक महंगाई कम नहीं कर पाए थे। आप मुझे बताइए, पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए या नहीं हुए? बताइए, हुए या नहीं हुए? मित्रों, सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं, जो आंकड़े होते हैं महंगाई के, महंगाई का थोक सूचकांक जो 7% के आसपास रहता था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नेगेटिव में डालने का काम किया है और देश की जनता को महंगाई से मुक्ति दिलाने का काम किया है। ये काम राहुल जी सूझबूझ वाली सरकार ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जब 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि देश के 60 करोड़ लोगों के पास आज भी बैंक अकाउंट परिवार में एक भी व्यक्ति का नहीं है। 68 साल हुए श्रीमान राहुल जी, आपके परिवार ने इस देश पर 60 साल राज करा, फिर भी देश के 60 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट नहीं दिला पाए थे आप। प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना की घोषणा की और उसके तहत 11 महीने के अंदर 14 करोड़ परिवारों को बैंक अकाउंट दिलाने का काम समाप्त कर दिया गया है। देश के 14 करोड़ परिवारों में अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया है। और इतना ही नहीं, इस बजट के अंदर वो 14 करोड़ परिवारों के लिए सिर्फ साल का 1 रुपया भरकर, महीने का 1 रुपया भरकर 12 महीने में 12 रुपये के प्रीमियम से 12 रुपये में 2 लाख रुपये का एक्सीडेंट बीमा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और प्रतिदिन 1 रुपये के प्रीमियम से, साल के सिर्फ 300 रुपये के प्रीमियम से
देश की जन गरीब जनता को 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। राहुल बाबा, इसको कहते हैं सूझबूझ वाली सरकार। गरीबों को बीमा से सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, बेरोजगारी, मैं मानता हूं मित्रों कि बेरोजगारी गरीबी की जननी है। बेरोजगारी में से ही गरीबी उत्पन्न होती है। अगर बेरोजगारी को उन्मूलन कर दो तो गरीबी अपने आप चली जाएगी। और बेरोजगारी को एड्रेस करने के लिए, उसके उन्मूलन के लिए नरेंद्र भाई की सरकार ने एक स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम शुरू किया है। जो बच्चे पढ़ते हैं, 10th+2 पढ़ते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़कर रोजगारी के लिए लायक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, ये नॉर्थ ईस्ट के पूरे राज्यों के अंदर स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें भारत सरकार आने वाले दिनों में कॉल सेंटर के लिए यहाँ के पढ़े लिखे बच्चों को तैयार कर यहाँ के हर राज्य में कॉल सेंटर चालू कर नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही रोजगारी देने का प्रावधान करने वाली है। और स्किल डेवलपमेंट के बाद उनकी रोजगारी के लिए ये मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया का नारा दिया। 15 अगस्त को ही मेक इन इंडिया का नारा नरेंद्र भाई ने दिया और उस नारे को सितंबर के 25 तारीख को योजना में तब्दील कर दुनिया के सामने रख दिया। आज दुनिया भर के कई देशों के मुड़ीपति, पूंजीपति, उद्योग लगाने वाले भारत के अंदर अपना कारखाना लगाने के लिए, उत्पादन करने के लिए तैयार है। जब ये कारखाने लगेंगे तो अपने आप भारत के बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने वाली है और गरीबी दूर होने वाली है। मित्रों, स्वच्छता अभियान पूरे देश भर में, आजादी के बाद एक ही प्रधानमंत्री ऐसे आए हैं जिसने सरकारी योजनाओं की बात नहीं कही। देश के अंदर बुराइयों को एक जन आंदोलन देकर, जन आंदोलन का स्वरूप देकर दूर करने की शुरुआत करी है और इसी का हिस्सा है स्वच्छता अभियान। आज भारत स्वच्छ बनेगा ऐसा मैसेज दुनिया भर के अंदर प्रसारित हुआ है और छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग आदमी तक संस्कार के, स्वच्छता के संस्कार फिर से आरोपित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना, सॉल हेल्थ कार्ड योजना और किसानों का मुआवजा, ये तीनों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के गरीब किसानों के तरफ एक बहुत अच्छा मदद का हाथ लंबा किया है। मित्रों, 68 साल के बाद इस देश के किसानों को जब कुदरती आपदा आती है तब अपने खेत में जो नुकसान होता था वो 50% होता था तभी मदद मिलती थी, अब उसको घटाकर 33% कर दिया है और मुआवजा भी 1.5 गुना कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती। श्री राहुल गांधी, इसको ही कहते हैं ये सूझबूझ वाली सरकार है। आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने गरीबी देखी नहीं है। आप तो डायमंड स्पून के साथ जन्मे हो राहुल जी, आप क्या गरीबी की बात करते हो? देश का किसान जब मर रहा था, आकाश में से उस पर बारिश गिर रही थी, खलियानों में पड़ा हुआ अनाज सड़ रहा था, तब आप विदेश की सैर करते थे। आपको कोई अधिकार नहीं है किसान की बात करने का, अधिकार है भारतीय जनता पार्टी को। मित्रों, आदर्श ग्राम योजना इस देश के गांव के विकास के लिए बहुत लंबा एक योजना लेकर आई है। मुझे लगता है बारिश बहुत तेज हो रही है तो मैं मेरी बात थोड़ी जल्दी समाप्त करूंगा। मित्रों,
ये एनडीए की सरकार, ये भाजपा सरकार, मोदी सरकार, उसने नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ नारों से नहीं करा है। नरेंद्र भाई ने आने के साथ कहा लुक ईस्ट का समय समाप्त हो गया, एक्ट ईस्ट का समय शुरू हुआ है, पूर्वोत्तर में अब काम करना पड़ेगा। ये नारा नरेंद्र भाई ने दिया है और हम मानते हैं कि पूर्वोत्तर के इस भाग को, नॉर्थ ईस्ट के इस भूभाग को हिंदुस्तान के साथ आर्थिक रूप से भी जोड़ना चाहिए, विकास की दृष्टि से भी जोड़ना चाहिए, सांस्कृतिक दृष्टि से भी जोड़ना चाहिए और यहाँ एक एकात्मता का वातावरण खड़ा करना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई फैसले ऐसे किए हैं जिसके तहत वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का जल्दी से विकास होगा। 15 दिन में 3 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य कक्षा के मंत्री किसी न किसी राज्य में जाते हैं और यहाँ के विकास को गति देने का काम करते हैं। डोनर मंत्रालय भी जो अटल जी की सरकार ने बनाया था, वो ही डोनर मंत्रालय आज तक निष्क्रिय पड़ा था। नरेंद्र भाई की सरकार ने डोनर मंत्रालय को दिल्ली से हर महीने एक एक उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों में पहुंचाने का काम किया है। सर्कुलेशन से डोनर मंत्रालय नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हर महीने में 7 दिन के लिए जाता है। एनईसी की बैठक भी जो दिल्ली में होती थी, इस बार 10 साल के बाद एनईसी की बैठक शिलोंग के अंदर कर एनईसी को दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट में लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। बेंगलोर, जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए नए छात्रालय हॉस्टल्स बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। एक व्यापार सम्मेलन कर आसपास के भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के मंत्रियों को भी आमंत्रित कर व्यापार का रास्ता नॉर्थ ईस्ट के लिए खोला है। सॉन्ग्स एंड डांस फेस्टिवल दिल्ली में कर यहाँ के लोगों को प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। मेगा नॉर्थ ईस्ट उत्सव भी दिल्ली में मनाकर पूरा देश नॉर्थ ईस्ट को जाने, इसके लिए एक नई पहल भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने की है। 200 करोड़ रुपया नॉर्थ ईस्ट सड़क निगम को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बड़े दुर्गम इलाकों में रोड कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। मणिपुर के अंदर 100 करोड़ रुपए की लागत से एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, कई सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाथ में लिए हैं। सिर्फ अरुणाचल के लिए कम से कम 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का प्रोविजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वैसे टोटल देखा जाए तो 7,200 करोड़ रुपए का प्रोविजन है, मगर स्पेशल प्रोविजन 3 से 4 हजार करोड़ का दिया है। मगर ये सब आप तक तभी पहुंचेगा जब यहाँ पारदर्शी सरकार होगी, यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी, यहाँ ये पैसे को लोगों के लिए खर्च करने वाली सरकार होगी। इसलिए मैं मेरे नॉर्थ ईस्ट के दौरे के ये 7 राज्यों के अंतिम चरण पर हूँ। अब आसाम ही बाकी है, तब पूरी नॉर्थ ईस्ट की जनता को और विशेषकर अरुणाचल की जनता को कहना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट को भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सौंप दीजिए, हम नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी हिस्सों की तरह विकसित प्रदेश बनाकर छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही यहाँ पर करप्शन मुक्त, भ्रष्टाचार विहीन शासन दे सकती है। अगर जितना पैसा आजादी के बाद भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में भेजा है, उतना डायरेक्ट अगर नागरिकों के बैंक अकाउंट में भेज देते तो भी नॉर्थ ईस्ट की गरीबी दूर हो गई होती। इतना पैसा ये कांग्रेस की सरकारें खा गई है। इसको मुक्ति मूल्य दिलाने के लिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए यहां सहयोग करिए। और संगठनात्मक दृष्टि से भी नॉर्थ ईस्ट भारतीय जनता पार्टी का प्रायोरिटी वाला क्षेत्र है। मित्रों, 10 करोड़ सदस्य बन गए भारतीय जनता पार्टी के।
अब तो 10 करोड़ 30 लाख बनने को आए हैं। किरण रिजू कहते हैं कि ये संसार का दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, मैं इसका अध्यक्ष हूं। मगर मित्रों, ये 10 करोड़ सदस्य बनने से जितना हर्ष और आनंद होता है, इससे ज्यादा हर्ष और आनंद अरुणाचल में 1 लाख सदस्य बनने का मुझे है। क्योंकि मैं समझता हूं कि अरुणाचल में 1 लाख सदस्य बनने का मतलब है आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव यहां डल रही है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी ये उत्तर पूर्वी राज्यों को बहुत बल देने के लिए तैयार है। हमने तय किया है कि दिसंबर 2016 के पहले नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के अंदर हर जिले में 100% ग्रांट के साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना दिया जाएगा हर जिले के अंदर। और वो कार्यालय के माध्यम से हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के काम का विकास करने की शुरुआत होगी। मित्रों, बहुत समय हो चुका है, लेट भी हो चुका है, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है, मगर नरेंद्र भाई के मन में ये उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, ये सीमांत राज्यों के लिए बहुत सारे सपने पड़े हैं। वो सपनों का साकार करने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए और आने वाले सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान को पसंद कर हमें सरकार बनाने का मौका दीजिए, नॉर्थ ईस्ट का विकास करने का मौका दीजिए। यही अभ्यर्थना के साथ मेरी बात पूरी करता हूँ। भारत माता की, जरा दोनों हाथ खड़े कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।